दोस्तों दो अनजाने में पहली बार रेखा जी को एज हीरोइन के तौर पर लिया गया था। और ये वो हैं जिनकी आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं। आज आपको बता दूं कि इनका है हैप्पी वाला बर्थडे। 10th अक्टूबर 1954 को जन्मी थी ये। ये अक्टूबर महीने में बहुत सारे हैं, सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। तो बर्थडे वाले दिन थोड़ी बात तो बनती है रेखा जी की। दोस्तों इनका असली नाम था भानु रेखा गणेशन। एक्चुअली इनका बचपन बहुत ही सैड एक्सपीरियंस के साथ बीता था। 13 साल की उम्र में घर को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए रेखा जी को फिल्मों में आना पड़ा था। जिंदगी के उतार चढ़ाव में जिससे प्यार किया वो नहीं मिला, यहाँ तक कि दोस्तों पिता का प्यार भी नहीं मिला। रेखा एक ऐसा नाम है कि जितना लोग जानते हैं उतना ही और जानने की इच्छा रखते हैं। रेखा बचपन में बहुत सांवली और मोटी थी। सही सुना जी, बहुत सांवली और मोटी थी, पर वक्त के साथ साथ खुद को बहुत बदल डाला। अपनी डाइट और योगा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने आप को संवारा। दोस्तों इनकी डाइट और योगा के बारे में एक बुक रेखाज माइंड एंड बॉडी टेम्पल में पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो सबसे पहले हम इनको हैप्पी वाला बर्थडे बोल दें। कुछ श्रोता मेरे साथ जुड़े जिन्होंने इनको बर्थडे विशेष दी, कुछ बच्चे भी हैं उनमें और कुछ बड़े भी हैं। मैंने मांगी थी उनसे दुआ जो कबूल हो गई, तो ये दुआएं कबूल करने का बिल्कुल वक्त आ गया है। रेखा जी लीजिए भर भर के दुआएं लोगों से, सुनिए लोगों ने किस तरीके से इनको दुआएं दी हैं। हेलो मैम, रेखा मैम, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके कोई मूवी मैंने नहीं छोड़ी, कोई सॉन्ग मैं आपके आज तक नहीं छोड़ती, और आप भी बहुत अमेजिंग लगते हो। ओह माय गॉड, वेरी गुड कॉम्पलीमेंट। मैं मिसेस अंशुल। अंशुल जी, लगता है आप रेखा जी की बहुत बड़ी फैन है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसा कोई गाना नहीं है तो मैंने उनका नाम सुना, बहुत रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? शिवानी, दिल्ली। शिवानी कहाँ से बात कर रहे? दिल्ली से। वाओ शिवानी, मैं रफ्तारी रुचिका इस शो में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज रेखा का बर्थडे है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं रेखा को? हैप्पी बर्थडे रेखा जी, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। हेल्थ तो उनकी ऐसी है यार, वो तो सेक्सीएस्ट वुमन बनी है आजकल। तो हम चाहेंगे कि हर कोई उनकी तरह हो। आई नो, जीरो फिगर थी उनके बीच में, पता है तुम्हें शिवानी? ओह वाओ यार, और आपको उनको बहुत जल्द एक मूवी में देखने वाले हैं हम। वाओ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। ओके, बहुत टाइम हो गया उनको सीन कर रहे। सही बात, वो आएंगी तो फिर वही सब चीजें याद आएंगी। तो क्या हो शिवानी अगर वो पिक्चर में ऑल ऑफ द सडन अमिताभ बच्चन की एंट्री हो जाए? कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? नहीं नहीं, वैसे ऐसा होने वाला नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लोग फिर ड्रीम पूरे हो जाएंगे। पर मैं आपको खुश कर सकती हूँ, ये बात क्या है कि कल अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर मेरा एक बहुत ही खास शो आने वाला है, जो जरूर सुनिएगा। रेखा जी के लिए कुछ गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? बिल्कुल, बताए। ओके वेरी वेल सेड। आपके लिए ये गाना शिवानी हमारी तरफ से जरूर चलेगा। सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो उड़ान। बाय बाय बाय, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रेखा जी, आपकी मूवी बहुत अच्छी लगती है। ओके ओके, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? रेखा जी को इतनी अच्छे से विश करने वाले? अविनाश।
अविनाश जी आपके विशेष रेखा जी तक हम जरूर पहुँचाएंगे एंड थैंक यू उनकी तरफ से आपको रिटर्न बैक। थैंक यू। ओके जी बाय बाय। ओके बाय बाय। हैप्पी बर्थडे रेखा जी, हैव ए ग्रेट ईयर अहेड। आप जल्दी जल्दी पिक्चरों में आओ, हम आपको देखें, बहुत अच्छे लगते हो आप। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रेखा जी, बहुत अच्छे लगते हो, आपकी एक्टिंग बहुत सुपर लगती है, पहले से ज़्यादा अब मुझे आप ज़्यादा अच्छे लगते हो। सुपर नानी भी मैंने देखी जो कि बहुत अच्छी लगी। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इतनी सारी विशेस के बाद आज मेरी भी एक विश बन रही है कि काश मेरा ये शो रेखा जी सुने और पता चले उन्हें कि देश कितना प्यार करता है। वैसे तो पता ही होगा, मगर आज खास विशेस उनके लिए हमारी तरफ से, रेडियो उड़ान की तरफ से, और स्पेशली बीते लम्हे की रफ्तारी रुचिका की तरफ से। हैप्पी बर्थडे रेखा जी। दोस्तों, इनकी जिंदगी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी शादी सबसे पहले हुई थी विनोद मेहरा जी से। पंडित ने जो श्लोक पढ़े थे वो नकली नहीं थे। तुम्हारे गले में जो मंगल सूत्र है वो भी नकली नहीं है। शुरू तो हुआ था नाटक ही, पर अब ये मेरी जिंदगी बन चुका है। अब देखिए यहां भी ट्रेजेडी, मगर जब विनोद जी इनको अपने घर लेके गए तो विनोद की मां ने इनको अंदर ही नहीं आने दिया, घर में घुसने ही नहीं दिया, उल्टा अपनी चप्पल उतार के इनको देके मारी थी। आप सोच सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की इतनी बड़ी हीरोइन, चप्पल खाई है उन्होंने अपनी सास से। ये नहीं उतारूंगी। कुछ देर पहले ये मंगलसूत्र नाटक का एक सामान था, लेकिन अब ये मेरा अधिकार बन चुका है। हर औरत की एक ही इच्छा होती है कि ये मंगलसूत्र उसके गले से तब उतारा जाए जब उसकी अर्थी उठती है। मेरे जीते जी, आप ये मंगलसूत्र मेरे गले से नहीं उतार सकते। खैर, ये शादी ज्यादा चली नहीं, विनोद मेहरा साहब इस दुनिया से चले गए। फिर इनकी शादी हुई मुकेश अग्रवाल जी से, वो भी बहुत दिन तक नहीं चली और मुकेश जी भी नहीं रहे। अब इन सब चीजों के बाद एक मिस्ट्री है दोस्तों, जो शायद ही कोई सुलझा पाया होगा, कि आज भी रेखा जी अपने मेकअप में, अपने 16 सिंगार में सिंदूर का इस्तेमाल करती है। और ये रहस्य ही बनकर रह गया कि सिंदूर किस लिए और क्यों। हालांकि इनसे पूछने पर ये कहती हैं कि वो मेरे ऊपर बहुत सूट करता है, मैं इसलिए लगाती हूँ। बट लेट्स सी कि क्यों लगाती हैं, शायद कभी हमें ये रहस्य पता चले। दोस्तों, रेखा जी की टफ लाइफ में जिस दिन से अमिताभ बच्चन जी का सिलसिला शुरू हुआ, वो टफ लाइफ निखरती चली गई। एक्सक्यूज मी, ये रुमाल आपका वहाँ गिर गया। जी नहीं, ये मेरा रुमाल नहीं है, शायद आपको गलतफहमी हुई है। हाँ, हो सकता है गलतफहमी हुई हो, लेकिन मुझे लगता है शायद आपके पर्स के अंदर से गिर गया। लेकिन मेरा पर्स तो बंद है, ये देखिए ना। सुनिए, देखिए, ये अच्छा सा खूबसूरत सा रुमाल है, इसे मैं ले जाके क्या करूंगा है? फिर इसे मैं सड़क पर तो नहीं फेंक सकता हूँ। तो आप किसी हसीना को दे दीजिए ना। वही तो कर रहा हूँ। जी जी हाँ, जरा अपना हाथ लाइए। देखिए ये रुमाल आपके हाथ में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ अक्सर आती हैं? जी हाँ, कभी कभी। और आप? मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। कितनी खूबसूरत क्या आपकी तस्वीर। वैसे आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? नहीं बताऊंगी। और आपका दिल बना बिल्कुल नहीं बताऊंगी। लेकिन रेखा पर इस दौर में प्यार, फरेब और जिल्लत का सामना करना ही पड़ा। ये किसी की साजिश है? बंद कर अपनी बकवास। तू बाजार की चीज है, अपने बाजार में लौट जा। अमिताभ बच्चन रेखा की जोड़ी की जो शुरुआत दो अनजाने से हुई थी, वो प्यार की गलियों में भटकती ही रह गई, क्योंकि अमित जी ने कभी साफ शब्दों में उनको नहीं अपनाया, कभी नहीं कहा कि हाँ मेरा रेखा से प्यार है। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता।
ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीं चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें। मैं किसी राह से गुजरूं, मेरी मंजिल तू है। तो एक तीस सी रही उनके मन में हमेशा, लेकिन इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सुपर हिट थी। कुल 9 फिल्में की होंगी इन्होंने साथ, और जिसमें से 5 फिल्में सुपर हिट। दोस्तों आज उनके रेखा जी के जन्मदिन के उपलक्ष में थोड़ी बात तो उनकी बनती थी, लेकिन उनका गाना भी एक बनता है, तो मैं आपको उनका एक गाना भी सुनाऊंगी। तेरे दिल में थी मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है तू मसीहा मोहब्बत के एहसान कर एहसान कर एक एहसान कर अपने मेहमान पर अपने मेहमान पर एक एहसान कर दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए।